हेलो दोस्तों, मैं चिराग एक ऑडियो के साथ। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट था क्लासिकल थ्योरी से रिलेटेड, जिसके तीन पार्ट थे, जिसमें हमने देखा था साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी का पार्ट जो एफ डब्ल्यू टेलर से रिलेटेड ज़्यादा पार्ट था आपका। फिर उसके बाद हमने देखा था उसमें वेबर्स की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। फिर देखी थी हमने हेनरी फ्यूअल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का पार्ट। फिर उसके बाद हमने नियो क्लासिकल की तरफ देखा था, कवर किया था सारा पार्ट। तो क्लासिकल का ही वो मॉडिफिकेशन था एक तरीके से, जिसमें हमने देखा था कि फॉर्मल के साथ, यानी जो हायरार्की है स्ट्रक्चर, उसके साथ इनफॉर्मल ग्रुप भी अटैच हो जाता है। इसका मतलब सोशल और साइकोलॉजिकल नीड्स एक ह्यूमन बियर का पार्ट है, जिसको एक तरीके से पूरा करना पड़ता है। तभी इसको एक तरीके से आप थ्योरी को क्या बोलते हो, बिहेवियरल थ्योरी या जनरली ह्यूमन रिलेशन थ्योरी भी बोलते थे। किसको? नियो क्लासिकल को। फिर इसके बाद जो अब पार्ट आ रहा है आज की वीडियो में, वो आ रहा है मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी का पार्ट। जनरली इसमें एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जितनी भी एम्पेरिकल रिसर्च होती है, यानी जो डेटाबेस होता है, एक्चुअल प्रैक्टिस किया हुआ डेटा या कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस होती है, उसके बेसिस पे क्या करते हैं हम पर्टिकुलर हायरार्की या ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब इसमें एक पहले से सिस्टम बेस होता है, सब सिस्टम भी होता है जो कि सिस्टम थ्योरी में हम देखेंगे। और कंटिजेंसी की बात करते हैं तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर सिचुएशन सही है तो इस हिसाब से स्ट्रक्चर बनेगा, अगर सिचुएशन सही नहीं है तो उस हिसाब से अपना स्ट्रक्चर बनेगा। तो जो स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है, वो कंटिजेंसी अप्रोच में आएगा। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एक तरीके से क्या कर रही है, जो भी पिछली थ्योरीज के ड्रॉबैक है उसको ओवरकम कर रही है। इसका जो ओरिजिन हुआ था वो कब हुआ था? अर्लीज 1960 में हुआ था। और ये थ्योरी क्या कर रही है, एक तरीके से जो अर्लियर थ्योरीज है उनके ड्रॉबैक को एक तरीके से क्या कर रही है, ओवरकम कर रही है। इन द वर्ड्स ऑफ डब्ल्यू जी स्कॉट, द डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी आर इट्स कॉन्सेप्चुअल एनालिटिकल बेस। ठीक है, तो एक तरीके से कैलकुलेशन का पार्ट। आप जब भी क्या करते हो, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाते हो, तो किसी ह्यूमन हायरार्की को देख के नहीं बना रहे हो या पर्टिकुलर वर्क को देख के नहीं बना रहे हो। आप क्या कर रहे हो, एक प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हो, आप कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हो, आप पास्ट एक्सपीरियंस के साथ साथ आप प्रेजेंट की सिचुएशन भी देख रहे हो कि आपके पास क्या रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्या ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, क्या आपके पास वर्क फोर्स है, कितनी एनर्जी है, कितनी एफिशिएंसी है, उसके हिसाब से काम कर रहे हो। इट्स रिलायंस ऑन एम्पेरिकल रिसर्च डेटा और एक तरीके से एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे भी। तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भी ज़्यादा पार्ट खर्च करते हो पर्टिकुलर, कि मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो मैं प्रोड्यूस करूँगा, ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बनेगा। ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जब स्ट्रक्चर बनेगा तो पर्टिकुलर गुड्स ढंग से प्रोड्यूस हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो पहले से आप क्या कर रहे हो, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। एंड अबव ऑल इट्स इंटीग्रेटिंग नेचर। इसका मतलब क्या हुआ, एक तरीके से ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ भी क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रही है। ये कोई क्लोज सिस्टम नहीं है, जैसे क्लासिकल थ्योरी क्लोज सिस्टम था। अगर हम न्यो क्लासिकल की बात करें तो वो सोशल सिस्टम के बेसिस पे था। लेकिन इंटीग्रेटिंग नेचर का मतलब क्या हुआ, आप बाहर के खतरों को भी देख रहे हो, आप आउटसाइड एनवायरनमेंट को भी कंसिडर कर रहे हो और उसके हिसाब से आउटपुट निकाल के फीडबैक भी ले रहे हो। वो सारा पार्ट आप सिस्टम में भी देखोगे, सिस्टम थ्योरी में। दीज क्वालिटी आर फ्रेम्ड इन फिलोसॉफी विच एक्सेप्ट द प्रमाइस दैट द ओनली मीनिंगफुल वे टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशन इज टू स्टडी इट एज ए सिस्टम। तो इसका मतलब क्या बोल दिया, ज़्यादातर इसमें मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में ये बोला कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो एक सिस्टम की तरह देखेंगे, फिर उसके सब सिस्टम भी होंगे। लेकिन इसकी दो अप्रोचेज हैं, एक है सिस्टम अप्रोच और एक है कंटिजेंसी अप्रोच। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं सिस्टम अप्रोच या सिस्टम थ्योरी, एक ही बात है, चाहे अप्रोच बोलो चाहे थ्योरी बोलो। तो हम देख रहे हैं सबसे पहले सिस्टम थ्योरी। देखिए, इस सिस्टम थ्योरी में जनरली ये बोल रहा है कि अर्ली 60 में डेवलप हुई थी विद ए कॉन्सेप्चुअल एंड एनालिटिकल बेस। इट अटैच ए ग्रेट सिग्निफिकेंस ऑन एम्पेरिकल रिसर्च डेटा। तो एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे जो भी डेटा जनरेट किया जाता है उसके लिए एक तरीके से इसने ग्रेट सिग्निफिकेंस अटैच कर दी। तो यहाँ पे सिस्टम थ्योरी का मतलब क्या है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को एक सिस्टम की तरह माना जाता है। इन सिंपल टर्म द थ्योरी कंसीडर ऑर्गेनाइजेशन एज ए सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या हो गया, देखो बोला है सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइज्ड और कॉम्प्लेक्स होल। इसका मतलब उसको एक तरीके से एक साथ लिया जाता है, जितने भी सब सिस्टम होते हैं। यानी कहने का मतलब, मैंने बोल दिया कि कोई पर्टिकुलर जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, वो तो अलग अलग है सब सिस्टम। अगर वो अलग अलग काम करेंगे तो उस केस में मैं क्या बोलूँगा कि पर्टिकुलर प्रोडक्शन उतना ही हो पाएगा जितना उसको चाहिए। लेकिन अगर ये सारे मिलके एक साथ काम करेंगे तो एक सिनर्जी क्रिएट होती है, जिसको मैंने आपको नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन में भी बताया था कि एक कोर फॉर्म है वो क्या करती है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट मिला लेती है, वो क्या करती है एचआर का भी काम करती है, वो फाइनेंस का भी काम करती है, सब काम करती है। लेकिन जब वो एक साथ अपने अंडर में सबको ले लेती है तो वो क्या बनाती है, एक सिनर्जी बनाती है। मतलब 2+2 क्या बनाती है, वो 4 नहीं बनाती, 2+2 क्या बनाती है, 5 बनाती है। तो ये यही बोल रहा है कि एन असेंबलेज और कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स और पार्ट विच फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स यूनिटरी होल। तो इसका मतलब सब सिस्टम सारे एक साथ मिलके क्या बन जाते हैं, सिस्टम बन जाते हैं। तो ये बोला डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम्स आर कॉल्ड सब सिस्टम,
विच आर इंटर रिलेटेड। तो याद रखना ये एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड। इंटर रिलेटेड का मतलब क्या होता है, ये ओपन है। अगर ये इंटर रिलेटेड नहीं होते सब सिस्टम तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, क्लोज सिस्टम है। क्या है, क्लोज। कहने का मतलब जैसे सपोज करो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, उसको एक तरीके से अगर फाइनेंस वाइनेंस की ज़रूरत है और वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ क्या कर रहा है, रोल प्ले नहीं कर रहा साथ में, तो हम क्या बोलेंगे कि वो क्लोज सिस्टम है, उसको कोई ज़रूरत ही नहीं होती, उसको फाइनेंस अपने आप मिल जाता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बाहर के एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। बाहर के एनवायरनमेंट में अगर कुछ भी होता है और आपको फ़र्क पड़ता है, मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल चेंज हो रहा है, उससे आपके बिजनेस पर भी फ़र्क पड़ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ओपन सिस्टम। क्या बोलेंगे, ओपन। लेकिन अगर आपके पर्टिकुलर सब सिस्टम को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। एक तरीके से वो आइसोलेटेड होता है, यानी उसका एनवायरनमेंट से कोई लेना देना नहीं होता, उसे हम क्या बोलेंगे, क्लोज सिस्टम। आगे दे रखा है वैसे पार्ट। फर्दर वेरियस सब सिस्टम्स आर अरेंज अकॉर्डिंग टू ए स्कीम सो दैट कंप्लीट सिस्टम इज मोर देन जस्ट ए सम ऑफ इट पार्ट। इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि अगर 2+2=4 होते हैं तो वो नॉर्मल एक तरीके से क्या है, सब सिस्टम कोई वैल्यू गेन नहीं कर रहा। लेकिन अगर 2+2=5 हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि वो एक तरीके से टोटली एक सिस्टम बन गया है जो कि सब सिस्टम से भी ज़्यादा है। अगर सब सिस्टम का सम करोगे तो वो 4 बनेगा, लेकिन अगर पूरे सिस्टम की बात करोगे तो वो 5 बनेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर बात बोल रहा है। दिस एनश्योर द एफिशिएंट, इसका मतलब क्या हुआ कि जब पर्टिकुलर सारे सब सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो एक तरीके से एफिशिएंटली काम करते हैं। ठीक है, जब एफिशिएंटली काम करेंगे, इफेक्टिवली काम करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा, टाइम कम लगेगा, मनी का वेस्टेज कम होगा। तो उस केस में जो भी एनवायरनमेंट के बेसिस पे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को देखते हुए काम कर रहे हो, उस हिसाब से जो आउटपुट निकलेगा वो हमारी सोच से अच्छा ही निकलेगा। ऑल्सो एवरी सिस्टम हैज़ ए बाउंड्री विच सेपरेट इट फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। तो ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एनवायरनमेंट की बात कर रहा है, तो पहले हम वो पढ़ लेते हैं, फिर सिस्टम थ्योरी के भी पॉइंट पढ़ेंगे। लेकिन पहले हम क्या देख रहे हैं कि ये तो पता चले कि ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम क्या है। तो देखो क्या बोल रहा है, जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है और जो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। तो बोल रहा है कि ऑल लिविंग सिस्टम्स आर ओपन सिस्टम, ऑल नॉन लिविंग सिस्टम्स आर क्लोज सिस्टम। तो जनरली बोल रहा है कि जितने भी लिविंग सिस्टम्स है वो ओपन सिस्टम है और जितने भी नॉन लिविंग सिस्टम्स है वो क्लोजिंग सिस्टम है। जिसका मतलब जिसको बाहर के एनवायरनमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, इकोनॉमिकली क्या चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजिकली क्या चेंज हो रहा है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप जानते हो कि अपना ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एक ओपन सिस्टम पे काम करता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन क्या एक ओपन सिस्टम है, वो कभी भी क्लोज सिस्टम नहीं होता, क्योंकि वो हर वक्त क्या करता है, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करता रहता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैंने बताया था क्या चेंज हो रहे हैं, पॉलिटिकली, लीगली, टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली, अगर कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट ने चेंज कर ली तो इस हिसाब से आप पे क्या असर हो रहा है, आपके बिजनेस पे क्या असर हो रहा है। ठीक है, अगर सपोज करो मैंने बोल दिया कि एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगा दी और आप एक्सपोर्ट ही ज़्यादा करते थे तो उससे आपके बिजनेस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, क्योंकि आपका गुड्स महंगा हो जाएगा और जिसको आप क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो कंट्री को, क्या पता वहाँ की कंपनीज आपसे परचेज ना करे और वो दूसरी कंट्रीज़ को देखे, वहाँ से वो इम्पोर्ट करे और आपसे इम्पोर्ट नहीं करेगी, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। तो गवर्नमेंट की टैक्सेस पॉलिसीज़, लीगल पॉलिसीज, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। जो पर्टिकुलर कंपनीज आपसे परचेज करने ही कर रही थी, उनको लगेगा कि डर, उनको लगेगा एक्सप्रोप्रिएशन का पार्ट, तो यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करेगी, इन्वेस्ट नहीं करेगी तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान हो सकता है। तो ये बोल रहा है कि ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन ओपन सिस्टम एज इट कंटिन्यूसली इंटरेक्ट विथ इट्स एनवायरनमेंट, देयरफॉर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एन ऑर्गेनाइजेशन वन मस्ट आइडेंटिफाई इट्स बाउंड्री। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे इंटरेक्शन करता है वो किससे समझ सकते हैं, इनपुट आउटपुट मॉडल से। सिंपल प्रोसेस है जो कि आपको पता ही है कि जनरली बिजनेस में यही होता है कि आप क्या करोगे, इनपुट के फॉर्म में रॉ मटेरियल, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ करोगे। तो इसका मतलब क्या बोल रहा है, इनपुट क्या है, एनर्जी, इन्फॉर्मेशन, मटेरियल, जो कि ऑर्गेनाइजेशन किससे लेगा, एनवायरनमेंट से लेगा। तो याद रखना कि एक क्वेश्चन आया था जिसमें क्या बोला था कि आउटपुट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लिए जाते हैं, नहीं, इनपुट लिए जाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, याद रखना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में गलती यही हो जाती है। रीजन में आया था, नीचे मैंने कवर भी किया, तो आप गलत मत कर देना, मैं आपको पहले से बता देता हूँ, क्योंकि वो आप गलत करते ही करते। लेकिन मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनपुट लेते हो, फिर उसको क्या करते हो, आप ट्रांसफॉर्म करते हो, किसकी हेल्प से, लोगों से, और कैपिटल का यूज़ करके आपने जो टेक्नोलॉजी का यूज़ करा, मतलब जो मशीन्स का यूज़ करा, उसके थ्रू आप क्या कर रहे हो, उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, किसमें, आउटपुट में। ठीक है, और वो आउटपुट किसको दे रहे हो, एनवायरनमेंट को दे रहे हो। तो आप एनवायरनमेंट से क्या लेते हो, इनपुट, और देते क्या हो, आउटपुट। उसके बाद जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने क्या करा, दिया, उसके बाद आपका फीडबैक पता चलता है कि पर्टिकुलर गुड्स अच्छा है या नहीं है, वो सर्विसेज अच्छी है या नहीं है, तब जाके आप क्या करते हो, उस पर्टिकुलर गुड्स को और ज़्यादा प्रोड्यूस करते हो। कहने का मतलब, अगर डिमांड है गुड्स की तो आप उसको और ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे, डिमांड नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या रीज़न है,
तो ये बोल रहा है फर्दर द रिएक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट टू द आउटपुट इज द फीडबैक मैकेनिज्म यूजिंग विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन एवोल्यूट एंड करेक्ट इटसेल्फ। तो उस फीडबैक का यूज़ करके एक ऑर्गेनाइजेशन खुद को करेक्ट करेगा, एवोल्यूट करेगा, उसके बाद कोई गलती है तो उसको सही करने की करेगा। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज सेवरल सब सिस्टम लाइक टेक्निकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल, ये बोलो ना, सम ऑफ दीज सब सिस्टम आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि ये डिपेंड नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या हो गया, ये क्लोज्ड है, ठीक है, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड डोंट नीड इंटरलिंकिंग थ्रू एनी प्रोसेस, तो किसी प्रोसेस से ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ओपन सिस्टम है तो वो बाहर के एनवायरनमेंट से लिंक करेगा ही करेगा। तो कुछ सब सिस्टम क्लोज होते हैं और कुछ सब सिस्टम क्या होते हैं, ओपन होते हैं, लेकिन सबके साथ हमें चल के काम करना पड़ता है। तो सारे सब सिस्टम एक साथ हमारे काम आने चाहिए। ज़्यादातर जो हमें अफेक्ट करेंगे वो क्या अफेक्ट करेंगे, जो सब सिस्टम एक तरीके से इंटरलिंक होते हैं और जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें पता है कि वो पर्टिकुलर बाहर के एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। तो यहाँ पे बोल रहा है हैंस द सिस्टम थ्योरी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडेंटिफाई इट्स स्ट्रेटेजिक पार्ट। तो ये भी आपका आ चुका है, जैसे स्ट्रेटेजिक पार्ट को एक तरीके से आइडेंटिफाई करता है, याद रखना। नेचर ऑफ द इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन दीज पार्ट्स, मतलब जो भी सब सिस्टम है उनके बीच में क्या इंटरडिपेंडेंसी है। इफ दे आर एनी प्रोसेस और सिस्टम विच लिंक द पार्ट्स टुगेदर, तो कोई पर्टिकुलर सिस्टम है जो कि एक तरीके से इन पर्टिकुलर पार्ट्स को लिंक कर रहा है। तो आपको पता है कि जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी कैपिटल है, जो भी एक तरीके से मशीन्स है, वो कौन यूज़ कर रहा है, एक पर्सन यूज़ कर रहा है, यानी एक पीपल यूज़ कर रहा है, किसके थ्रू, बाहर के एनवायरनमेंट के थ्रू, बाहर के एनवायरनमेंट के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ करके, रॉ मटेरियल का यूज़ करके, मशीनरीज का यूज़ करके। वो कहाँ से मिली है उसको, एक तरीके से उसने कहाँ से लिए, एनवायरनमेंट से ही जनरेट की है, ये बोल रहा है। द लिस्ट ऑफ गोल्स दैट द सिस्टम इज ट्राइंग टू अकम्प्लिश, तो वो सारा पार्ट आपका सिस्टम थ्योरी का है। अब देखो आपके ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के मेन पार्ट बोल रखे हैं, तो इसमें कौन कौन से, एक तो इंडिविजुअल, एक है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, और एक है इनफॉर्मल, और एक है आपका स्टेटस एंड रोल्स। अब देखो एक एक करके बताया तो आपको पार्ट, सबसे पहले तो नॉर्मल पार्ट है, देखो वैसे समझाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मल और इनफॉर्मल का तो पूरा अपने टॉपिक कवर किया हुआ ही है, फिर भी हल्का सा पार्ट बताना बनता ही है। तो देखो इंडिविजुअल का मतलब क्या हो गया, वही इंडिविजुअल पर्सन, उसकी पर्सनालिटी बेसिक क्या है, सिस्टम का पार्ट है। एक इंडिविजुअल का एटीट्यूड क्या है, मोटिवेशन क्या है, कहने का मतलब पर्टिकुलर उसको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने हैं, जो भी पर्टिकुलर डिमांड पूरी करनी है तो उसमें वो कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है। फर्म की उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशन है, कि फर्म बोल रही है कि आपको कैसे काम करना है, वो कैसे काम करके दे रहा है, तो फर्म को क्या एक्सपेक्टेशन है उससे जनरली, और वो किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। फॉर्मल का मतलब क्या हो गया, जनरली आपको पता है कि इसमें एक हायरार्की बनी होती है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड रहती है, कहने का मतलब जॉब पहले से ही प्रीफिक्स रहती है, तो आपको पहले से ही जॉब डिजाइन या जॉब पैटर्न पता है, और उस अकॉर्डिंग अपनी टास्क को आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि इंडिविजुअल को उस हिसाब से अपनी जॉब को परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फुलफिल इज एक्सपेक्टेशन ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ जॉब, और जैसे ही कंप्लीशन हो जाता है जॉब का, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी उसकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करना पड़ता है, कहने का मतलब उसको सैलरी एक्सपेक्टेशन थी, या पर्टिकुलर एक पॉइंट बाद उसको प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन थी, वो पूरी हो जाएगी तभी वो फर्म के लिए काम करेगा, वरना वो छोड़ देगा। यूजली देर इज ए इनकॉन्ग्रेंसी बिटवीन द गोल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दोज ऑफ इट्स मेंबर्स, जनरली बोल रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल होते हैं और मेंबर होते हैं उनके बीच में एक तरीके से सिमिलरिटी नहीं होती है, क्योंकि इंडिविजुअल परस्पेक्टिव अलग होता है, हमारा ह्यूमन बिहेवियर अलग होता है, और ऑर्गेनाइजेशन क्या सोचता है, एक पर्टिकुलर बिजनेस की तरह सोचता है कि हमें ये टारगेट अचीव करना है, जबकि मेंबर क्या सोचता है कि मेरे इंडिविजुअल टारगेट या इंडिविजुअल जो भी पॉइंट है वो भी तो साथ साथ चले, तो वो कोऑर्डिनेशन की मांग करता है, जो कि बोल रहा है कि कभी कभी नहीं होती है, बोल रहा है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जनरली क्या, आपको पता है जब भी इनफॉर्मल ग्रुप होता है, मैंने बताया, तो उसमें वो सोशल बिलोंगिंग चाहता है, वो साइकोलॉजिकल कोई अफेक्ट चाहता है, कहने का मतलब वो रिलेटेडनेस चाहता है, मैंने बताया, वो कॉम्पिटेंसी चाहता है और ऑटोनॉमी चाहता है, तो उस केस में क्या है, उसका बिहेवियर मॉडिफाई होता रहता है, चेंजेस होता रहता है। तो उस केस में क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन को भी पता करना पड़ता है कि इसका बिहेवियर कब होगा, और उस हिसाब से हमारे गोल के अचीव करने के बीच में ये हर्डल तो क्रिएट नहीं करेगा। तो बोल रहा है दिस इनफॉर्मल ग्रुप टिपिकली डिमांड्स द इंडिविजुअल टू कन्फर्म टू इट्स लेड डाउन बिहेवियर पैटर्न, मतलब वो पैटर्न चलता रहे जो कि जनरली नहीं चलता कई बार। द इंडिविजुअल कन्फर्म इन ऑर्डर टू अकम्प्लिश हिज गोल बाय एसोसिएटिंग विद द इनफॉर्मल ग्रुप, फर्दर सिंस द टू इंटरेक्ट दे मॉडिफाई ईच अदर्स बिहेवियर। आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बिहेवियर को चेंज भी कर सकते हो, अगर नेगेटिव बिहेवियर है तो उसको कैसे चेंज करोगे, इनफॉर्मल ग्रुप के थ्रू भी सही किया जा सकता है। कोई पर्सन को अगर वो बहुत ज़्यादा मानता है या उसकी बात ही सुनता है, तो आप उसके थ्रू क्या करोगे, यानी एक हायर अथॉरिटी क्या करेगी, उस पर्सन के थ्रू दूसरे पर्सन को बात मनवाने की करेगी। तो ये एक तरीके से इनफॉर्मल ग्रुप में बहुत ज़्यादा चलता है। गॉसिप वॉसिप के थ्रू भी आप क्या करते हो, पर्टिकुलर अपने टारगेट बता देते हो कि अगर
पर्टिकुलर कंपनी की ये डिमांड आप पूरी कर लोगे या इतना टारगेट पूरा कर लोगे तो सबको कंपनी क्या करेगी, इतना इंसेंटिव देगी। तो अगर इनडायरेक्टली कंपनी ने बता दिया तो लोगों को लगेगा कि यार कंपनी ऑफिशियली डिक्लेयर करेगी या जैसे ही टारगेट पूरा होगा तो ज़रूर देगी, तो एक तरीके से वो भी मोटिवेट हो जाते हैं। स्टेटस एंड रोल, इंडिविजुअल्स को एक तरीके से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपना रोल सर्टेन प्ले करें, तो जनरली उनको ड्यूल रोल प्ले करना पड़ता है, मतलब जो तो उनको जॉब असाइन किए वो तो है ही, पर साथ साथ क्या अपने कलीग के साथ एक तरीके से क्या मेंटोर का रोल प्ले कर सकते हैं, या अगर मैं बोल रहा हूँ कि अथॉरिटी में अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशनशिप है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर अपने मैनेजर्स के साथ एक तरीके से क्या कर सकता है, इक्वल बिहेवियर कर सकता है। तो उसका स्टेटस और रोल क्या है, यानी कहने का मतलब उसकी जॉब पोजीशन क्या है और साथ ही साथ उसका रोल क्या है। अगर उसका एक अथॉरिटी, यानी कहने का मतलब अथॉरिटी के फॉर्म में रोल रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, वो दबाने ही करेगा अपने मैनेजर्स को या अपने साथ में काम करने वाले सबऑर्डिनेट्स को, तो बहुत क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी नुकसान वाला हो जाएगा। तो बोला देयर आर टाइम्स व्हेन द डिमांड ऑन एन इंडिविजुअल फ्रॉम द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रडिक्ट ईच अदर, एट सच टाइम देयर इज रोल कॉन्फ्लिक्ट, देयरफॉर इट इज नेसेसरी दैट टू रोल्स फ्यूज टुगेदर, दिस फ्यूजन प्रोसेस एक्ट टू विल्ड डाइवर्जेंट एलिमेंट टुगेदर इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द इंटीग्रिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या बोल दिया कि ऑर्गेनाइजेशन की इंटीग्रिटी, यहाँ पे हम बोल सकते हैं यूनिटी को बनाए रखने के लिए उसको ड्यूल रोल प्ले करना पड़ता है, और जब भी रोल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से उसकी वजह से आपस में कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है पार्ट, तो उसको सही करने के लिए उसको बीच में आना पड़ता है। फिर आपको बोल दिया फिजिकल सेटिंग, इसमें देख लेते हैं क्या बोल रहा है। इसमें जनरली बोल रखा है कि जब भी एक पर्सन काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में तो फिजिकल सराउंडिंग रहती है, तो उसमें क्या होता है, यानी उसको मशीन्स के साथ आसपास रह के काम करना पड़ता है। तो जनरली एक तरीके से बोल सकते हैं कि आप जब भी किसी के साथ पर्सन से बात कर रहे हो तो टेक्निकल मैनर में बात नहीं कर सकते, उस केस में सोशल और साइकोलॉजिकल, कहने का मतलब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर सकते, उसके सोशल या साइकोलॉजिकल व्यू को भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि फिजिकल सेटिंग का मतलब क्या हो गया कि आपको फिजिकल मैनर में तो देखना ही पड़ता है पार्ट, लेकिन साथ साथ उसके आसपास बहुत सारे मशीनें हैं, टेक्निकल एनवायरनमेंट है, तो ज़रूरी नहीं कि आप वही बात करें, आप साथ साथ सोशल या साइकोलॉजिकल नीड्स की भी बात करोगे फिजिकल कंडीशन के साथ, यानी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के साथ साइकोलॉजिकल नीड्स की बात भी करोगे, तो उस केस में जो पर्सन है उसको एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा और वह बिजनेस के लिए भी काम करने की करेगा। ओनली देन कैन वन फिट द मशीन्स टू मैन, ठीक ये बोल दिया। अब इंटरकनेक्शन बोल रखा है बिटवीन सब सिस्टम, तो वो कैसे हो सकता है, कम्युनिकेशन से, डिसीजन मेकिंग से और बैलेंस बना के, ये बोल रहा है। द सब सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इंटरकनेक्टेड थ्रू वेरियस प्रोसेसेस, जो कि आपको बता रखा है। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से सब सिस्टम है आपस में लिंक होंगे, सीधी सी बात है। तो ये क्या बता रहा है कि जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की कोई भी बात आ रही है, कहने का मतलब कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज हो गई, कोई भी लीगल पॉलिसीज या हम बोल सकते हैं टेक्निकल एनवायरनमेंट चेंज हो गया, उसका मैसेज सारे सब सिस्टम के पास चला जाना चाहिए। उस हिसाब से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे और आपस में एक तरीके से एक डिसीजन सेंटर होगा, उस हिसाब से वो क्या करेगा, डिसीजन लेने की कोशिश करेगा जो कि सारे सब सिस्टम के लिए बेनिफिशियल हो। डिसीजन मेकिंग, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर लिंकिंग वेरियस पार्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट द डिसीजन टू प्रोड्यूस डिपेंड ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड द डिमांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हैंस द डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन डिपेंड ऑन द डिमांड एंड रिवॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इंडिविजुअल जो भी है, यानी जो भी वर्कर है, अगर वो मैनेजमेंट के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन की गुड्स की कितनी डिमांड है पर्टिकुलर, ये बोल रहा है। तो उसी हिसाब से क्या होगा, एक डिसीजन मेकिंग का पार्ट आएगा कि प्रोडक्शन, ये बोल रहा है कि द डिसीजन ऑफ एन इंडिविजुअल टू पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन डिपेंड्स ऑन द डिमांड एंड रिवार्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की कितनी डिमांड है उस गुड्स की, और इसके अलावा वो कितना रिवॉर्ड हमें दे रहा है। अगर वो हमें रिवॉर्ड ही नहीं देगा, अगर डिमांड ज़्यादा है उस हिसाब से हमें बेनिफिट ही नहीं देगा, इंसेंटिव नहीं देगा, तो पर्टिकुलर हम बोल सकते हैं डिसीजन मेकिंग बहुत गलत हो जाएगी और वर्कर भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले जाएंगे। बैलेंस, ये एक तरीके से इक्विलिब्रियम मैकेनिज्म है, बोल रहा है इक्विलिब्रेटिंग मैकेनिज्म है विच अलाउज द डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम टू स्टे इन हारमोनियस एंड स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप विद ईच अदर। मतलब आपको यूनिटी बनानी है, कोऑर्डिनेशन क्रिएट करना है, हारमोनी क्रिएट करनी है, इट हेल्प इन एंश्योर इंटीग्रिटी इन द फेस ऑफ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो ये नहीं कि अगर कोई पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में चेंज हो गया तो एक सब सिस्टम छोड़ के चले गया या एक सब सिस्टम में नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। सबको हारमोनी और कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है, एक स्ट्रक्चर रिलेशनशिप है, कहने का मतलब सुपीरियर सबऑर्डिनेट अगर रिलेशनशिप है तो आपको क्रिएट करना ही पड़ेगा, ये नहीं कि आप पर्टिकुलर वो पार्ट छोड़ के चले जाओ। तो अब देखो कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ये एक ओपन सिस्टम है। तो ये बोल रहा है दिस थ्योरी ऑफर्स एन ओपन सिस्टम व्यू ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड रिकॉग्नाइज इट्स एनवायरमेंटल
इंटरफेस, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये बता रहा है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या चेंज हो रहा है उसको एक तरीके से एक्सेप्ट करता है। तो ये थ्योरी का एक डायनेमिक है एंड अडेप्टिव है, उसके हिसाब से ये चेंज होती रहती है। इट अडॉप्ट ए मल्टी लेवल एंड मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, देयरफॉर इट कंसीडर बोथ मैक्रो एंड माइक्रो एस्पेक्ट। इसका मतलब क्या हो गया, ये एज एन इंडिविजुअल भी पार्ट बात करती है, अगर इंडिविजुअली कोई चेंज हो रहा है इकोनॉमिक्स में तो वो पर्टिकुलर उस चीज़ को भी देखती है, कंज्यूमर की नीड में क्या चेंज हो रहा है। और मैक्रो का मतलब क्या है, जनरल प्राइस लेवल हो गया, हमने बोल दिया नेशनल इनकम हो गया, हमने बोल दिया इन्फ्लेशन डिफ्लेशन सिचुएशन आ रही है, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी जो पार्ट हो रहा है उसको भी ये कंसिडर करता है। इसके अलावा बोल रहा है कि फर्दर इट ड्रॉ फ्रॉम सेवरल डिसिप्लिन लाइक सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग एट्सेट्रा। तो ये बोल रहा है कि इसके अलावा जो सिस्टम थ्योरी होती है बहुत अलग अलग डिसिप्लिन से भी आती है। सिस्टम थ्योरी आप इसी में नहीं देखते, मैनेजमेंट में, सोशोलॉजी में भी देखते हो, इकोनॉमिक्स में भी देखते हो, साइकोलॉजी में भी देखते हो, इंजीनियरिंग में भी देखते हो। तो एक तरीके से बिजनेस में भी जो ये थ्योरीज है अप्लाई होती है, सिस्टम थ्योरी, और बाकी सारी जगह भी अप्लाई होती है अलग अलग फील्ड में। इट इज़ डिस्क्रिप्टिव एंड नॉट प्रिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होता है, एक तरीके से डिस्क्राइब करने वाली, यानी एक तरीके से इसमें पहले से ही आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटल ये पार्ट किए होते हैं, तो ये वर्णनात्मक होती है हिंदी में बोले तो, यानी पहले से ही डिस्क्राइब की हुई। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हो गया कि आप किसी पर्सन को बता रहे हो नहीं आप ऐसे करो ऐसा होगा। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है, एक होता है पॉजिटिव एक होता है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव का मतलब क्या हो गया, आप किसी चीज़ को जो गलत है उसको सही कराने की कर रहे हो, तो आप क्या बोल रहे हो, जैसे मैंने बोल दिया कि प्राइस कम होने से डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, तो वो एक पॉजिटिव अप्रोच है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, वो नॉर्मेटिव है, यानी आप उसमें अच्छा और बुरा बताना चाहते हो। तो डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या हो गया, एक पॉजिटिव अप्रोच है, बस ये बता दिया कि ये एक्सपेरिमेंट हमने किया है, ठीक है, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकला, क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, रिजल्ट तो निकल गया वो हो गया डिस्क्रिप्टिव, लेकिन रिजल्ट निकलने के बाद क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, तो वो प्रिस्क्रिप्टिव कहलाता है। तो ये बोल रहा है डिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्रिप्टिव नहीं है। फर्दर इट इज़ प्रोबेबिलिस्टिक एंड नॉट डिटर्मिनिस्टिक। तो इसका मतलब क्या है, एक तरीके से आप प्रोबेबिलिटी लगा रहे हो एक्सपेरिमेंट के साथ, ये कोई पर्टिकुलर तय नहीं करती किसी चीज़ को। एंड प्लेसेज ए लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन लैटरल रादर देन वर्टिकल रिलेशनशिप। तो ये वर्टिकल रिलेशनशिप नहीं देखती, ज़्यादातर ये लैटरल मतलब हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को ध्यान देती है। साइबरनेटिक्स आपने सुना होगा, ये बोल रहा है कि इसी तरीके से सिस्टम थ्योरी का एक तरीके से सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है, लेकिन यहाँ जनरली काम नहीं आएगा आपके मैनेजमेंट में। ये बोल रहा है साइबरनेटिक इज़ द साइंस ऑफ कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल इन ए मैन मशीन सिस्टम। लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ गया कि जब भी मैन मशीन सिस्टम के बीच में कंट्रोल का पार्ट कौन करता है, तो आप क्या बता सकते हो, साइबरनेटिक्स होती है, जो कि एक सिस्टम थ्योरी का पार्ट ही होती है। तो साइबरनेटिक्स एक साइंस है कम्युनिकेशन की, जो कि मैन और मशीन के बीच में एक तरीके से कम्युनिकेशन का या कंट्रोल करने का पार्ट बताती है, ठीक है। अब यहाँ क्रिटिसिज्म की बात कर रहा है, क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। ये बोल रहा है कि सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी इज़ नॉट यूनिफाइड बट एन अमालगमेशन ऑफ सेवरल थ्योरीज। यूनिफाइड का मतलब ये कोई सिंगल थ्योरी नहीं है जो कि आपने खुद ने क्रिएट की हो, ये अलग अलग थ्योरीज का मिक्स है। इसका मतलब सिस्टम थ्योरीज, कंटिजेंसी थ्योरीज, डिसीजन थ्योरीज एट्सेट्रा। तो आप देख सकते हो कि दूसरे पार्ट से भी आपने देखा होगा कि अभी अभी अपन ने पढ़ा था, ये कहाँ से आई है, देखो कहाँ था, हाँ इस वाले पार्ट में, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग, बहुत सारी फील्ड में सिस्टम थ्योरी अप्लाई की गई है। इसका मतलब क्या हुआ, ये अलग अलग फील्ड से आती है, तो ये कोई यूनिफाइड थ्योरी नहीं है, मतलब आपने कहीं से ली हुई है। इट इज़ नॉट रियली मॉडर्न बट ए सिंथेसिस ऑफ रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्लियर थ्योरीज। तो देखो आ गया ना, तो एक तरीके से क्या है, जो पुरानी थ्योरीज थी उनका ही एक तरीके से हल्का हल्का पार्ट आपने ले लिया और उसको एक तरीके से मिला लिया, वो क्या हो गई, सिस्टम थ्योरी हो गई, ये बोल रहा है। तो ये कोई नई थ्योरी नहीं बनी। दिस थ्योरी इज़ टू एब्स्ट्रैक्ट टू बी ए प्रैक्टिकल यूज़। तो एक तरीके से बोल रहा है कि इसका प्रैक्टिकल यूज़ एक तरीके से नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन और सोशल सिस्टम के बीच में एक प्रिसाइज रिलेशनशिप नहीं बताता, ठीक है। तो एक तरीके से बोल रहा है कि थ्योरी बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, यानी इसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं हो पाता। इट डज़ नॉट ऑफर ए फ्रेमवर्क विच कैन बी अप्लाइड टू ऑल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक फ्रेमवर्क भी नहीं पता कि पर्टिकुलर कोई फ्रेमवर्क आप बता दीजिए जो कि सारे ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पार्ट होता है, अलग अलग सिस्टम होता है, तो उस हिसाब से फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है, जो कि एक सिस्टम थ्योरी का पार्ट अप्लाई नहीं कर सकता। अब आपका आ रहा है कंटिजेंसी थ्योरी का पार्ट। अब इस थ्योरी में जनरली क्या बोल रखा है, कंटिजेंसी थ्योरी में, कि आपने जो भी पर्टिकुलर सिस्टम बनाया या जो भी आपने डिज़ाइन बनाई या जो भी आपने कोई पर्टिकुलर डिसीजन क्रिएट किया, उस डिसीजन के थ्रू जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया, डिज़ाइन बनाई, हायरार्की बनाई, तो ये बोल रहा है कि जरूरी नहीं है हर सिचुएशन में वो अप्लाई हो। जैसे जैसे सिचुएशन आती है उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है या सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा हायरार्की बनानी है, कौन सा स्ट्रक्चर बनाना है या कौन सी डिज़ाइन बनानी है। तो मतलब ये सिचुएशनल बेसिस पे है,
अब मैं बोल सकता हूँ कि नहीं मतलब पॉलिटिकल कुछ भी चेंज हो गया, स्टेबिलिटी जैसे मैंने बताया था कि इनस्टेबिलिटी हो गई, तो उस वक्त आप देखोगे कि हायरार्की क्या होनी चाहिए, तो आप स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले आपने क्या स्ट्रक्चर बनाया, फिर सिचुएशन चेंज हो गई, उसके बाद आपने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। तो वो किस पर डिपेंड करता है एक तरीके से, कि बिज़नेस की आपकी साइज़ क्या है, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज है या नहीं है, लोग हैं या नहीं आपके पास। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे लोग महंगे, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि लेबर कॉस्ट क्या है, बहुत कॉस्टली है लेबर, क्या बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, और बाहर दूसरी कंट्री में लेबर सस्ती है, तो क्या पता आप अपने रिसोर्सेज को बाहर लेके चले जाओगे, मशीनरीज या जितनी भी पार्ट है, और वहाँ पे आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ये जनरेट करने का काम कर सकते हो। कई जगह ऐसा होता है, जनरली आप ग्लोबली जाते हो और आपको पता है कि बाहर लेबर सस्ते हैं, हम बोलेंगे यहाँ पे अपना कॉल सेंटर का सिस्टम सस्ता है, तो अमेरिकन कंपनीज़ क्या करती है, यहाँ के कॉल सेंटर को हायर करने की करती है, क्यों, क्योंकि लेबर सस्ती है। तो ये बोल रहा है कंटीजेंसी थ्योरी सिंपल सिंपल सिंपली एन एक्सटेंशन ऑफ द सिस्टम ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देर इज़ नो पर्टिकुलर मैनेजरल एक्शन और ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर ऑल सिचुएशन। तो बोल रहा है सारी सिचुएशन के लिए कोई पर्टिकुलर अप्रोप्रिएट डिज़ाइन नहीं है, इन फैक्ट द डिज़ाइन एज वेल एज द मैनेजरल डिसीजन डिपेंड ऑन द सिचुएशन, इन अदर वर्ड इट इज़ कंटिजेंट ऑन द सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेज। आ गया ना, कि ये परिस्थितियों पर और उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इसलिए बोल रहा है कि कंटिजेंसी थ्योरी को आप सिचुएशनल थ्योरी भी बोलते हैं। द थ्योरी सजेस्ट दैट ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल वेरिएबल। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या वेरिएबल है, साइज, टेक्नोलॉजी, पीपल, ठीक है, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन, गवर्नमेंटल, उन पे डिपेंड करता है। तो उस वक्त की सिचुएशन पे क्या करेंगे हम देखेंगे। लाइक इन द सिस्टम ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी द कंटिजेंसी थ्योरी कंसिडर्ड एन ऑर्गेनाइजेशन एस ए सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ सेवरल सब सिस्टम, इसमें भी ये होता है। फर्दर बोथ दीज थ्योरीज ले लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन मेंटेनिंग एंड अडेप्टिंग एक्टिविटीज फॉर द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ द सिस्टम। दे ऑल्सो डील विद द पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप एंड द इंटरडिपेंडेंस अमंग द एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब सब सिस्टम में क्या इंटरडिपेंडेंसी है। हाउएवर देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन द टू। अब देखिए आपको अभी सेम लग रहा होगा पार्ट, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस है ही। जैसे मैंने क्या बताया कि वो सिस्टम जनरली क्या होगा, पहले से एक्सपेरिमेंटल होता है, जबकि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कंटिजेंट, मतलब वो किसके बेसिस पे, सिचुएशन के बेसिस पे डिपेंड करेगा। वहाँ पे पहले से ही एम्पेरिकल या कॉन्सेप्चुअल एनालिसिस किया गया है, यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है उसके बेसिस पे, सिचुएशन के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे डिफरेंसेस आपको दे रखे हैं, दो दे रखे हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए पहला डिफरेंस ये बोल रखा है कि देखो सिस्टम थ्योरी का मतलब आपने ये देखा था कि हम क्या करते हैं एनवायरनमेंट के साथ साथ काम करते हैं, जो भी सब सिस्टम होते हैं जितने भी होते हैं वो किसके साथ काम करते हैं, कुछ क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं और कुछ जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं वो क्या करते हैं एक साथ एनवायरनमेंट के बेसिस पर काम करते हैं। लेकिन इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है या बिहेवियर है वो इंटरनल डायनेमिक्स पर बिलीव करता है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो अंदरूनी स्ट्रक्चर है वो आप क्या कर सकते हो, उसको चेंजेस करते रहते हो, तो जनरली उस पर फोकस होता है। ऑन द अदर हैंड द कंटिजेंसी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी फोकसेस ऑन द एक्सटर्नल डिटरमिनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो एक्सटर्नल डिटरमिनेंट्स है, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो कि मैंने जितने भी आपको पॉलिसीज बताई या अभी जैसे मैंने बताया कि आपके पर्टिकुलर आपके पास कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है, तो कैपिटल आपको बाहर से मिल रही है या नहीं मिल रही, इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ क्या है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट क्या है, लाइसेंसिंग किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो उस पर डिपेंड करता है ये बोल रहा है, या हम बोल सकते हैं गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ क्या है, तो उस पर डिपेंड कर रहा है ये बोल रहा है कि कंटिजेंसी थ्योरी एक तरीके से उस पर्टिकुलर सिचुएशन पर डिपेंड करती है। जबकि इसमें जनरली क्या हो सकता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो और इंटरनल डायनेमिक्स की बात कर रहे हो। सिस्टम थ्योरी लेज डाउन यूनिवर्सल प्रिंसिपल फॉर एप्लीकेशन इन ऑल सिचुएशंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले से ही आपने एक्सपेरिमेंटल पार्ट किया हुआ है, डिस्क्रिप्टिव है, मैंने आपको बताया था, तो उस केस में क्या हो रहा है, आप जो बाहर के एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेज हो रहे हैं उसके हिसाब से आपने पहले अगर स्ट्रक्चर बना लिया, तो अगर चेंजेज हो रहे हैं आप उसको चेंज नहीं कर रहे, आप वही अप्रोच रख रहे हो, आपने जो स्ट्रक्चर सेट कर दिया उसको ही आप रख के बैठे हो, क्योंकि आपने पहले से एक्सपेरिमेंट कर लिया, उसके हिसाब से आपने क्या कर दिया, एम्पेरिकल रिलेशनशिप तय कर लिया और आपने बोला कि हम अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं करेंगे। जबकि ऑन द अदर हैंड द कंटिजेंसी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी वर्क्स ऑन द प्रिस्क्रिप्शन विच सेज दैट इट ऑल डिपेंड्स। प्रिस्क्रिप्शन का मतलब मैंने क्या बताया था, एक तरीके से हम बोल सकते हैं ऑर्डर बेसिस पे, यानी लोगों को ये बताना कि ये कैसे होगा, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट ऑल डिपेंड्स मतलब क्या हो गया, उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। अगर सिचुएशन सही नहीं है तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, अगर सिचुएशन अच्छी है
और अगर हमने कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और हमें लग रहा है कि चेंज नहीं करना तो नहीं करेंगे, अगर सिचुएशन ख़राब हो गई तो उस हिसाब से स्ट्रक्चर में भी चेंज कर देंगे और जॉब पोजीशन में भी चेंज कर देंगे। तो ये बोल रहा है एक तरीके से कि इट ऑल डिपेंड्स, मतलब सिचुएशन पे डिपेंड है। इन अदर वर्ड द कंटिजेंसी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी स्पेल आउट रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड एंडेवर्स टू फिल ए क्रिटिकल लकुना ऑफ द सिस्टम थ्योरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिस्टम थ्योरी में जो पहले से एक्सपेरिमेंटल पार्ट किया हुआ है अगर उसमें कोई भी गैप है वो किसके थ्रू दूर हो जाता है, कंटिजेंसी थ्योरी के थ्रू हो जाता है। इसके तरह इसी तरीके से बोल दिया, फर्दर इट ऑफर्स ए मोर एक्सप्लिसिट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस वेरिएबल्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इट इज़ ऑल्सो एक्शन ओरिएंटेड एंड डायरेक्टेड टुवर्ड द एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टम थ्योरीज कॉन्सेप्ट। तो देखो क्या हो गया, सिस्टम थ्योरी के जो कॉन्सेप्ट तय किए थे ठीक वो आपने अप्लाई कर लिए, लेकिन उसके बाद एक तरीके से मैंने बोल दिया कि जो भी एनवायरमेंटल चेंज हो गया उसके हिसाब से अगर आपने स्ट्रक्चर चेंज नहीं करा तो वो तो सिस्टम थ्योरी है, लेकिन अगर आपने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया तो आप क्या कर रहे हो, उस एक्शन को ओरिएंट कर रहे हो, मतलब उस एक्शन को निभा रहे हो, उस एक्शन को कर रहे हो, ठीक है। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको आप सही कर रहे हो, तो पर्टिकुलर पार्ट किस पे अप्लाई हो गया, कंटिजेंसी थ्योरी पे अप्लाई हो गया। हैंस इट ऑफर यूजफुल एंड प्रैक्टिकल इंसाइट्स टू मैनेजर इन टर्बुलेंट वर्किंग एनवायरनमेंट। इसका मतलब क्या हो गया, जो ऐसे एनवायरनमेंट जो बार बार चेंज होता रहता है उसमें मैनेजर एक तरीके से क्या करता है, अपनी स्किलफुल मैनर से या अपने टैक्टफुल मैनर से उस पर्टिकुलर चीज़ को सही करने की कोशिश करता है जो कि कंटिजेंसी सिचुएशन में आती है। फर्दर द कंटिजेंसी ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी सीक्स टू एम्फसाइज द मल्टीवेरिएट नेचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फर्दर इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट अंडर वेरिंग कंडीशन इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज, कि अगर कोई पर्टिकुलर कंडीशन आ गई उस केस में ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगा। जैसे अभी आपने देखा होगा कि कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा क्या है पर्टिकुलर, मैं बोल सकता हूँ कि डिसएडवांटेज लोगों पे हो गया है या पर्टिकुलर जॉब पे हो गया, हमारे पर भी हो गया है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो वैसे एक बिजनेस पे भी क्या हो गया, बहुत नेगेटिव असर पड़ा है। तो मैनेजर जैसे ही पर्टिकुलर मैं बोल सकता हूँ कि हटेगा वायरस, उसके बाद बिजनेस क्या सोचेगा और पर्टिकुलर अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने की कोशिश करेगा या नहीं करेगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आगे इकोनॉमी कैसे ग्रो करती है। अब वो ऐसा भी कर सकता है, कुछ बिजनेस क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉइज़ हटा देंगे, कुछ पर्टिकुलर एम्प्लॉइज़ की सैलरी ही क्या कर देंगे, मुझे लग रहा है कि कम कर देंगे। आप अभी सोच रहे हो कि सैलरी क्या किसी की कटेगी नहीं, लेकिन रियल लाइफ में क्या होगा मैं बताऊं तो आपकी सैलरी क्या होगी, कटेगी ही कटेगी। क्यों, क्योंकि इकोनॉमी डाउन की तरफ जाएगी, तो जब क्या होगा प्रोडक्शन ही नहीं होगा इतना ज़्यादा, तो कहाँ से वो डिमांड पूरी करेंगे और कहाँ से एक तरीके से आउटपुट ज़्यादा निकलेगा, कहाँ से इनकम होगी और इनकम को कैसे क्या करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एक तरीके से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। तो वो तो धीरे धीरे ठीक होता जाएगा जैसे जैसे दौर, उस हिसाब से क्या होगा वापस से स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज होता जाएगा। ऑल्सो द थ्योरी डायरेक्ट इट व्यू टुवर्ड्स रिकमेंडिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन एंड मैनेजरियल एक्शंस विच आर मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर स्पेसिफिक सिचुएशंस। ठीक है, तो एक तरीके से बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन उस हिसाब से चेंज होती है और उस हिसाब से मैनेजरियल एक्शन डिपेंड करता है स्पेसिफिक सिचुएशन में कि सिचुएशन क्या हो रही है। अगर सिचुएशन कोई वल्नरेबल है या थ्रेट वाली है तो उस हिसाब से क्या करेगा, वो स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा। ये बात कर रहा है कंटिजेंसी अप्रोच में। तो कुछ आपके बेसिक मैंने दे रखे हैं, कंपेरिजन दे रखा है ताकि आप समझ जाओ। ये क्लासिकल है, ये बिहेवियरल जो है वो है अपनी न्यू क्लासिकल, और ये जो है अपने मॉडर्न से रिलेटेड है सिस्टम एंड कंटिजेंसी। तो एक एक करके देख लेते हैं, लास्ट पार्ट ये देखिए, इसमें फोकस किस पे है, क्लासिकल में वर्क एज वेल एज इकोनॉमिक नीड्स ऑफ वर्कर। ठीक है, तभी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इसमें जनरली स्पेशलाइजेशन का पार्ट ज़्यादा से ज़्यादा कवर किया जाता है। अब बिहेवियरल की बात कर रहे हैं तो स्मॉल ग्रुप्स एंड ऑल्सो ह्यूमन बिहेवियर, तो यहाँ पे साथ में क्या आ गया, ह्यूमन बिहेवियर। सिस्टम में क्या आ गया, इंटर रिलेशनशिप जनरली देखी जाती है, तो सब सिस्टम आपस में कैसे इंटर डिपेंडेंट है तो उसकी बात कर रहा है। और कंटिजेंसी क्या बोल रहा है कि सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा है, अगर सिचुएशन क्या है मैंने बताया था आपको अभी, पॉलिसीज़ वॉलिसीज़ क्या है, जैसे जो भी टेक्नोलॉजिकल लीगल लाइसेंसिंग गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ कुछ भी अगर उसमें चेंजेस होता है तो उस सिचुएशन पे क्या करता है आपका स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर मैकेनिकल एंड ऑल्सो इम्पर्सनल। तो आप देख सकते हो इसमें एक तरीके से इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट किसने बताया था, उर्विक ने बताया था, मैंने आपको बोला था। इसी तरीके से टेलर ने पहले से क्या कर दिया, साइंटिफिक मैनेजमेंट का डिसाइड करा और प्लानिंग और ऑपरेशनल से रिलेटेड अलग अलग इंचार्ज बना दिए और उसके अंदर भी चार चार पर्टिकुलर स्टाफ बना दिए थे। तो वो आपने किस में देखा था, साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स में देखा था। फिर आपने हेनरी फेवल का भी पार्ट देखा जो कि टॉप लेवल से रिलेटेड था, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज से रिलेटेड, तो एक मैकेनिकल प्रोसेस था और साथ ही साथ क्या था, इम्पर्सनल। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को एक सोशल सिस्टम के फॉर्म में देखा जाता है क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इनफॉर्मल ग्रुप बन जाता है जो कि सोशल या साइकोलॉजिकल नीड से रिलेटेड होता है। ये ओपन सिस्टम है, ये भी ओपन ही है,
लेकिन ये बोला ओपन सिस्टम्स व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है नॉर्मल पार्ट है, लेकिन यहाँ देखो क्या बोल रहा है, एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या है, बाहर के जो एक्सटर्नल एनवायरमेंट है उनमें क्या चेंज हो रहा है, उसी के बेसिस पर उसी सिचुएशन पे क्या करोगे आप अपने स्ट्रक्चर को चेंज करने की करोगे, ठीक है। और उस हिसाब से आप क्या करोगे, इनपुट का यूज़ करके आउटपुट निकालने की कोशिश करोगे। मतलब आपको मैं बोल सकता हूँ कि आप अपनी डिमांड पूरी करने की कोशिश करोगे, जो भी पर्टिकुलर डिमांड है, जो भी आउटपुट है उसको निकालने की कोशिश करोगे। मीन्स एम्पिरिकली डेराइव्ड प्रिंसिपल्स, तो जनरली बोल रखा है कि एम्पिरिकल मतलब क्या हो गया, एक तरीके से एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, जैसे आप बोल सकते हो एफ डब्ल्यू टेलर ने क्या करा, अपनी कंपनी थी जो भी मिडवेल या उस नाम से जो भी कंपनी थी वहाँ पे जाके जो भी एक्सपेरिमेंट किया उसको यहाँ पे लाके देखा, कहाँ पर पर्टिकुलर फोर प्रिंसिपल उसने अप्लाई कर दिए टेलर ने। वैसे हेनरी फेवल ने भी क्या करा, जो 14 प्रिंसिपल थे, वो एक प्रैक्टिशनर था, तो वो प्रैक्टिशनर ही था एक तरीके से हेनरी फेवल, तो उसने क्या करा ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पे अपने क्या करे प्रिंसिपल निकाल लिए। फिर ग्रुप पार्टिसिपेशन की बात कर रहा है, जो कि जनरली किस में बात कर रहा है आप, बिहेवियरल में, इसका मतलब नियो क्लासिकल में, तो ग्रुप का पार्टिसिपेशन जो कि इनफॉर्मल ग्रुप के फॉर्म में। कॉन्सेप्चुअल स्किल होनी चाहिए सिस्टम थ्योरी में, इसका मतलब क्या है, जो कैपिटल है, जो मशीन है, उसका पर्टिकुलर यूज़ करना आपको आना चाहिए, तो ये मैनेजरल स्किल की बात कर रहा है। एनवायरमेंटल स्कैनिंग, इसका मतलब आपको पर्टिकुलर सिचुएशन जो भी है उसको पहले से भापने वाला पर्सन होना चाहिए, एनवायरमेंट को स्कैन करते रहना चाहिए, अगर एनवायरमेंट में कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है तो उसको आपको गेन करने वाला होना चाहिए। एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब ही क्या है कि जब भी आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है उसको गेन कर लो, और जब भी आपको थ्रेट दिखते हैं तो उसके लिए पहले से तैयार हो जाओ, ठीक है, उसके लिए पहले से ही कोई शील्ड क्रिएट कर लो ताकि उस एनवायरमेंट में जो भी कोई कमी है उसको आप दूर कर सको। रिजल्ट, वर्क एलाइनेशन एज वेल एज डिससेटिस्फेक्शन, तो इसका मतलब क्या हुआ कि काम ज़्यादा से ज़्यादा इनसे करवाया जा रहा है, तो एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि मोटिवेट नहीं हो रहे, डिससेटिस्फाई हो रहे हैं, क्योंकि वर्कर को एक तरीके से किसकी तरह माना गया है, मैं बोल सकता हूँ मशीन की तरह माना गया है, जैसे मशीन काम कर रही है वैसे आप काम करते जा रहे हो, तो ऐसा नहीं माना जाना चाहिए। फिर इसमें क्या बोल दिया, सेटिस्फाइड एंड ऑल्सो एफिशिएंट एम्प्लॉय, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि एक तरीके से सोशल नीड्स उनकी सेटिस्फाई हो रही है, साइकोलॉजिकल अफेक्शन उनको पूरा मिल रहा है। सिस्टम थ्योरी एज वेल एज डिज़ाइन, तो एक पर्टिकुलर सिस्टम के बेसिस पे इसमें ऑर्गेनाइजेशन को क्या माना गया, सिस्टम माना गया, तो इसमें एक पर्टिकुलर डिज़ाइन सेट थी। डायनेमिक मैनेजमेंट स्टाइल, मैनेजमेंट क्या करता है, अपनी स्टाइल को चेंज करता रहता है, कहने का मतलब अपनी स्किल्स के बेसिस पे जो भी सिचुएशन है उसके बेसिस पे क्या करता है, अपने वर्क को चेंज करता रहता है, इसलिए क्या बोलेंगे डायनेमिक, कोई एक सिंगल मैनेजमेंट स्टाइल नहीं होती, अपने हिसाब से चेंज करता रहता है। यहाँ पे बोल रहा ऑथोरिटेरियन, इसका मतलब क्या हो गया कि जो मैं बोल सकता हूँ सुपीरियर है ना, वो क्या करता है अपना काम करवा के रहता है किससे, सबऑर्डिनेट से, तो उसकी अथॉरिटी है, वो जो बोलेगा वो पार्टिसिपेशन नहीं चाहता वर्कर का एक तरीके से। और ब्यूरोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से मैंने आपको बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी हार्ड बनी हुई है और कंट्रोल आपने किया हुआ है, वर्कर का आप पार्टिसिपेशन नहीं चाहते, जिसमें हम बोल सकते हैं लाल फीताशाही हिंदी में, ठीक है, या आप गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ की पार्ट देखते हो, गवर्नमेंटल पॉलिसी में देखते हो कि गवर्नमेंट का ही मेन रोल होता है, बाकी सारे तो वर्कर क्या करते हैं, गवर्नमेंट जैसे ऑर्डर देती है वैसे काम करती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच। डेमोक्रेटिक एंड ऑल्सो पार्टिसिपेटिव, जनता के लिए, इसका मतलब क्या हो, एक तरीके से वर्कर को पार्टिसिपेट करवा रहे हैं और वर्कर के साथ एक तरीके से सोशल बिहेवियर कर रहे हैं। सिस्टम कॉन्सेप्ट, बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरफेस, इसका मतलब क्या हो गया, बिजनेस के एनवायरनमेंट के पार्ट को देखा जा रहा है और उसके हिसाब से क्या करा किया जा रहा है, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप तय किया जा रहा है। मेन एक्सपोनेंट कौन थे, एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी फ्योल, मैक्स वेबर, जनरली आपने कवर किए ही किए, लेकिन इसके अलावा आप इसमें देख सकते हो और कौन आ सकते हैं, ग्यूलिक आ सकता है, ऊर्विक आ सकता है, वो भी देख लेना इसमें पार्ट, कभी कभी आ सकता है, एल्टन मेयो, एएच मास्लो, ठीक है, जिसको जो आप मास्लो की नीड हायरार्की जनरली पढ़ते हो, ठीक, और कौन सा था, यानी मोटिवेशनल थ्योरी का पार्ट पढ़ते हो, और था डगलस मैकग्रोर, और इसके अलावा आपके बहुत सारे हैं, जैसे आप एक्स वाई थ्योरी की बात करते हो, वी रूम की थ्योरी की बात करते हो, जो कि मैं आपको मोटिवेशन एंड लीडरशिप वाले पार्ट में बताऊंगा, एफी कास्ट, जे ई रोजनवीक, आर ए जॉनसन, और यहाँ पे कौन था जो कि एक तरीके से कंटिजेंसी थ्योरी से रिलेटेड था, पी आर लॉरेंस, जे डब्ल्यू लॉर्ड्स और जे वुडवर्ड, तो ये बीच में देख लेना, कभी कभी आ सकते हैं, फिर भी मैंने सारा पार्ट कवर करा लिया। अब इसके हम लेंगे क्वेश्चंस जो कि आपके अगली वीडियो में आ जाएंगे, तब तक आप ये कवर करके बता देना और उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आई होप ये भी पार्ट आपको जनरली समझ में आया होगा, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।